डियर स्टूडेंट, मैथ का रियल जहर हमने आप लोगों को चढ़ा दिया था रातों ही रात, और सारे क्वेश्चंस आप लोगों को फुल तैयारी करवा दिए। अब आप लोगों को अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, और हमारी जो मेहनत है, हमारी बोर्ड एग्जामिनर की टीम की जो मेहनत है, उसको आप लोगों को सक्सेस कर देना है। जो चलिए देख लेते हैं, बोर्ड एग्जामिनर 2022 की जो कॉपी थी मैथमेटिक्स की, तो आप लोगों को कॉपी किस तरह से लिखना है मैथ में, वो आप लोग आज सीख लेते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से आप लोगों को डाल देना है, डायरेक्टली आंसर करनी है, किसी और फुल क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले इस प्रकार बीच में आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसके आंसर लिखना है, और नीचे आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर नंबर फर्स्ट ऐसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर वन, ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर वन के आंसर, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख देना है। 2022 के टॉपर की कॉपी है, काफ़ी मस्त राइटिंग है, आप लोग देखिए इस प्रकार से करना है। शुरुआत में आपको बेहतरीन राइटिंग रखनी है, और ये कॉपी 2022 के मैथमेटिक्स में भी बोर्ड की कॉपी है, आपके एग्ज़ाम में हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इसको देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, किस प्रकार से कॉपी लिखी जाती है बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसे टीचर देखने में उनसे भी इंटरेस्ट रहे और अच्छे मार्क्स देगा। और ये एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप लोगों के एग्ज़ाम में ये इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं 2022 से, तो इनके आप लोगों को पेपर ले लेना है और ये कुछ आंसर मैच करने हैं, और जल्दी से देख लीजिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2022 के पेपर से सीधे सीधे आ रहे हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से ज़रूर देख लेना है। इसलिए आपको ये 2022 की ये कॉपी मैं दिखा रहा हूँ, इससे आप लोगों को एक तो कॉपी लिखने का तरीका पता चल जाएगा मैथ में किस प्रकार से कॉपी लिखी जाती है, और सेकेंडली आप लोगों को इसके आंसर वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं, तो आप लोग पेपर लेकर बैठिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया है ये, और इस प्रकार से लिखा है, एक एक लाइन छोड़ी है, प्रॉपर डिस्टेंस दिया है, और काफ़ी बेहतरीन राइटिंग है, और ये लास्ट में एक लाइन खींच दी है, पेज टर्न ओवर लिख दिया है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं किया है, अब काफ़ी अच्छी बात है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, और 6 क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसलिए उसने यहाँ पे ये लाइन छोड़ दी है। देखिए 6 और 7 क्वेश्चन इसने एक ही साथ कवर किया है, जो कि क्वेश्चन एक पेज में आ जाता है, तो आप एक में कवर करिए, और ज़्यादा जगह डिस्टेंस मिल जाता है आपको, तो आप दो क्वेश्चन एक साथ कर सकते हैं, जैसे एक पेज में दो क्वेश्चन हो जाए, शॉर्ट आंसर आप लोग कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर एक ही पेज में आप लोग कर सकते हैं, और जो लॉन्ग आंसर रहते हैं वो आपको सेपरेट करने होंगे अलग अलग पेजेस में, जैसे आपने जैसे आपका लॉन्ग आंसर स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 13-14 से, या फिर 15 से वेरी लॉन्ग स्टार्ट होंगे, तो आप उन लोगों उन क्वेश्चंस को आप एक सेपरेट पेज में अलग अलग करिए, जैसे वो एक एक पेज में फुल हो गया आंसर उसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए, या फिर एक वन एंड हाफ पेज हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करिए आप लोग, और इन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, उसका आंसर देख लीजिए, लेट द लाइन मेक्स एंगल पी विद द कोऑर्डिनेट आर, देख लीजिए जाइए आप लोग, काफ़ी टाइम कम है आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे समझाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को पीडीएफ हमने अवेलेबल करा दी है, काफ़ी टाइम पहले से ही डाल रखी थी, इसको देख के जाइए जाना है आप लोगों को, और क्या क्या तैयारी करनी है और वही हम आपको बताते हैं, पहले आप देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कितनी शानदार तरीके से लिखा है, आप लोगों को पास टाइम कम रहेगा तो आप लोगों को जो स्टार्टिंग बेहतरीन अच्छी स्वच्छ राइटिंग से करनी है, और जब एंडिंग करेंगे तभी आपको स्वच्छ राइटिंग से करनी है, चार छः क्वेश्चंस जो 20, 22, 25 तक जो भी क्वेश्चन हो, आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हो एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को आप लोग लास्ट में चार छः क्वेश्चन अच्छे स्वच्छ राइटिंग में बेहतरीन राइटिंग में करना है, तो टीचर्स का भी आप देखेगा कॉपी तो चेक करने में इंटरेस्टिंग रहेगा वो भी, और आपको देखेगा कि हाँ अच्छी राइटिंग है, और क्योंकि वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाएगा कि एक एक क्वेश्चन अच्छे से चेक करे, वो देख लेगा कि राइटिंग कैसी है, तो उस हिसाब से बेस्ट आपको मार्क्स दे देगा, और राइटिंग गंदी होगी आपकी तो वो भी सोचेगा कि हाँ स्टूडेंट में कुछ तो है, ऐसे ही यहाँ वहाँ से लिखा है उसने या फिर बना कर लिखा है, तो थोड़े वो मार्क्स वो भी डाउटफुल रहेगा देने में, तो ऐसे मानसिकता रहती है टीचर्स की भी, तो आप उस हिसाब से देख कर जाइए और अच्छे से तैयारी करना, जरूरी नहीं है कि आप सभी अच्छे से लिखें क्वेश्चंस,
आज फास्ट स्पीड में लिखना पड़ता है क्योंकि आपको क्वेश्चन छूट जाएंगे, आपको टाइम लिमिट रहता है, लिमिटेड टाइम में आपको फोर क्वेश्चंस करने होते हैं। ये देखिए ग्राफ का काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है, इसको जरूर देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 21, कितनी बेहतरीन सुंदर राइटिंग है, आपको एक ही क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली शो हो रहा है, देखते लिए आपने ये कॉपी। अब हम बैक आ जाते हैं, अब हम और कुछ आपको ये क्रैक करेंगे पासवर्ड, अब जल्दी से पासवर्ड इसका बोर्ड एग्जाम ना 777 बोर्ड एग्जामिनर 777। चलिए आप लोग थोड़ा सा जहर चाट लीजिए, 10770 हायर मैथमेटिक्स सेट ए है, क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर क्लियर नहीं शो हो रहे होंगे, बट आपको जब आप पीडीएफ देखेंगे तो आप थोड़ा सा करेंगे जूम वगैरह तो आपको क्लियर शो हो जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स प्लस ए और नीचे भी एक्स, फिर थर्ड लाइन में भी एक्स, फिर बीच में एक्स एक्स प्लस ए, नीचे फिर एक्स 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 प्लस ए इक्वल 0। तो ये इस प्रकार के समीकरण दिए जाते हैं, तो आपको एक्स ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से प्रूव करना है। और एक और अथवा में दिया गया है प्रूव दैट ए माइनस बी माइनस सी, इस प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी का होल होल क्यूब, आपको ये सॉल्व करना है। काफ़ी छोटे छोटे आईएमपी क्वेश्चन से, कुछ खास है नहीं मैथमेटिक्स से, अगर आपने अच्छी साल भर थोड़ा भी अगर आपने अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई की है तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। कुछ खास ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं है, दो चार क्वेश्चंस यहाँ से वहाँ से ज़रूर कठिन आएंगे। देखिए काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इनको अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, देखिए काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये इनको छोड़ना तो नहीं है। सिस्टमेटिक एंड ट्रांजिटिव 12 पाई सेंटीमीटर 2 बाईस, हाँ अच्छा सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंशिएबल और इन्वर्टिबल, 1 + 1 / x, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके दिए गए थे। ठीक है, मैथ के वीआईपी क्वेश्चंस हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख लेना, और आप लोग भी देख लेना इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, और क्योंकि सेम पेपर आता है आईएमपी, वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आईएमपी क्वेश्चन नहीं है, वायरल पेपर भी नहीं है, वायरल पेपर फेक निकलता है मोस्टली तो, और कन्फर्म पेपर काफ़ी कम मिलते हैं, और फेक स्कैम से आप लोगों को बचना है, 300-500 हज़ार किसी को नहीं देना है। हमने पेपर तैयारी आप लोगों को पहले से ही करवा दी थी, और ये रियल जेयर आप लोगों के लिए फ्री लाया हूँ, यहाँ पर फ्री सीरीज है रियल जेयर हमारी, तो इसको देखिए, मोस्टली हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं आपकी 100% कवर, मोस्ट क्वेश्चन से आपकी यहीं से आ जाएंगे, रियल जेयर सीरीज से हमारी। मर्डर सीरीज तो हमारी क्लोज कर दी गई थी आप लोगों के लिए, बट यहाँ पर रियल जेयर लेकर आए हैं। देखिए सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया गया, फुल 61 पेजेस की पीडीएफ, यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर कर लेना इससे, और जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो भी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो टिक कर दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। ये पीडीएफ आपको देख लेनी है सबसे पहले ही, सबसे पहले इस पीडीएफ को देखिए आप, क्लास 12th मैथ्स NSD 2024 और मैथ टॉपर की कॉपी, 2022 की कॉपी, और इसके साथ पेपर लेके बैठ जाना, इसको देख लेना। ये टॉप क्वेश्चंस दिए गए हैं क्लास 12th मैथ्स, टॉप क्वेश्चंस दिए गए हर चैप्टर वाइज, इनको भी आप लोग देख लेना अगर आपके पास टाइम है, बस टाइम आप लोगों के पास काफ़ी कम है, और आप लोग देख लेना, जो ये आपको पीडीएफ जरूर ट्राई करना है, देख लेना है अच्छे से, क्लास 12th मैथ्स, इस पीडीएफ को आप जरूर देख लेना, उस काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे एक ही साथ में। और ये नेक्स्ट ये सेकेंड पीडीएफ, इसको देख लेना है आपको, जो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप लोग समझ जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी, पेपर सेम ही आएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में आएगा और हिंदी वाला हिंदी में रहेगा, बट पेपर सेम होगा, लैंग्वेज अलग होगी लेकिन पेपर सेम ही है। और फिर आपको ये टॉपर की कॉपी देख लेनी, और उसके बाद 4th नंबर पे ये मैथ एनुअल पेपर 2024 वायरल पेपर देख लेना, जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में आए, बट
क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आ सकते हैं। काफी लोग 300, 400, 500 ले रहे थे, तो मैंने रियल जैव के जरिए आप लोगों को लेकर आया हूँ। बोर्ड एग्जामिनर 777 इसका पासवर्ड है, तो आप लोग करिए स्टडी, बहुत ही मजा आएगा। आप लोग अच्छे से मार्क्स लाइए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपको फुल सपोर्ट मिलता रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और आपके नेक्स्ट एग्जाम पेपर में भी सपोर्ट होगा। आपके कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी सारे इशू आएंगे, तो भी हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी हमने बनाई है। वहाँ पर आपको कोई भी इशू आता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ पर बताइए, हमारी टीम द्वारा आप लोगों को हमेशा फुल सपोर्ट बना रहेगा। धन्यवाद।